हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम एक्ने कंट्रोल क्लोव यानी कि लौंग की क्रीम बनाएंगे। ये क्रीम आपके एक्ने और पिंपल्स की समस्या को एकदम जड़ से ख़त्म कर देगी और साथ ही आपके स्किन पर से एक्ने स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन को रिड्यूस कर आपके स्किन टोन को भी एकदम इवन बना देगी। ये आपकी ड्राई और डल स्किन को डीप मॉइस्चराइज करेगी, प्लस इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पॉटलेस और ग्लोइंग हो जाएगी। तो आइए इस एक्ने कंट्रोल क्रीम को बनाना शुरू करते हैं। एक्ने कंट्रोल क्लोव क्रीम बनाने के लिए मैंने ये 2 चम्मच के करीब क्लोव यानी कि लौंग ले ली हैं। ये दिखने में कुछ इस तरीके की होती हैं और ये आपको किसी भी पंसारी की शॉप पर बहुत ही इजीली मिल जाएंगी। तो अब हम इसमें ये थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और लौंग को पानी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए इसी तरह रखा छोड़ देंगे ताकि लौंग की सारी गुडनेस पानी में अच्छे से आ जाए। तो ये लगभग 2 घंटे हो गए हैं और आप देखिए कि पानी का कलर भी चेंज हो गया है और लौंग की सारी गुडनेस पानी में अच्छे से आ गई है। तो अब हम एक बोल में एक स्ट्रेनर की हेल्प से लौंग के पानी को छान लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने लौंग के पानी को छान कर बोल में अलग निकाल लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम एक क्लीन बोल में ये 4 चम्मच लौंग का पानी लेंगे। लौंग में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारे एक्ने और पिंपल्स को क्योर करती है और साथ ही हमारी स्किन को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने से भी बचाती है। प्लस इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, इसलिए ये हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 1/2 चम्मच के करीब ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ग्लिसरीन हमारी ड्राई डल स्किन को डीप मॉइस्चराइज करती है और साथ ही हमारी स्किन के पीएच लेवल को भी मेंटेन करती है। नेक्स्ट, अब हम इसमें एक विटामिन ई ऑयल का कैप्सूल ऐड करेंगे। विटामिन ई ऑयल हमारी स्किन पर ग्लो लाता है, प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम भी एकदम दूर हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हो सके तो आप भी इसमें 1-2 विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल ज़रूर ऐड करें। और अब हम लास्ट में इसमें 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल में कूलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारी स्किन को ठंडक तो देता ही है, साथ ही हमारी सन डैमेज स्किन को भी रिपेयर करता है और साथ ही हमारी स्किन को हाइड्रेट कर बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाता है। और अब हम लास्ट में इसमें 7-8 ड्रॉप ट्री टी एसेंशियल ऑयल के ऐड कर देंगे। ट्री टी एसेंशियल ऑयल में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारे एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम को दूर करता है और साथ ही हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा रेडिएंट भी बनाता है। तो ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यह मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं क्रीम का टेक्सचर कितनी स्मूथ बनी है। तो ये हमारी क्लोव क्रीम बनकर एकदम तैयार हो चुकी है। तो अब हम इस तरह कोई भी प्लास्टिक का या फिर कांच का एयरटाइट कंटेनर ले लेंगे और इसमें क्रीम को स्टोर करेंगे। आप इस क्रीम को फ्रिज में रखकर 15 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए, मैंने क्रीम को कंटेनर में फिल कर लिया है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कब और कैसे अप्लाई करना है। तो इस क्रीम को अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें। क्रीम लें और इसे अपने फेस पर इस तरह 1 मिनट जेंटली मसाज करें या फिर जब तक मसाज करें जब तक कि आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाती। पर मेक श्योर कि अगर आप इस क्रीम के 100% इफेक्टिव रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आप इसे दिन में 2 बार सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले ज़रूर अप्लाई करें। और इसके रेगुलर यूज से आप लगभग 1 ही हफ्ते में देखेंगे कि आपके एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम एकदम दूर हो जाएगी, साथ ही आपके एक्ने स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, सनटैन और पिगमेंटेशन भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे। आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स भी रिड्यूस होने लगेंगे और आपकी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पॉटलेस और ग्लोइंग दिखाई देने लगेगी। तो आप इस मैजिकल क्रीम को एक बार ज़रूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितनी इफेक्टिव है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।